नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी मैंने क्लास ट्वेल्थ का लेक्चर स्टार्ट कर दिया था अकाउंट के अंदर, ठीक है। अकाउंट का भाग वन करा रहे थे जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहे थे बच्चों। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक बार रिमाइंडर करा दूं बच्चों, आज के लेक्चर में हम बच्चों आपको पढ़ाने वाले हैं लाभ का पंजीकरण पद्धति। अब बच्चों इसके पहले मैंने बड़ा 2-3 वीडियो आपको यहाँ पर बना दिया था कौन कौन सा मेथड, मैं आपको एक बार रिमाइंडर करा देता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर मैंने पहला करा दिया, दूसरा करा दिया, तीसरा मैंने करा दिया, चौथा आज का हमारा लास्ट एंड फाइनल लेक्चर बच्चों। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं IMP क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, लाभ का पंजीकरण करने की पद्धति, ठीक है। ये रहा लाभ की पंजीकरण करने की पद्धति। और बच्चों इसके अंदर कितने मेथड होते हैं और कितने स्टेप्स है बच्चों, तो बड़ा लाभ की पंजीकरण पद्धति के बड़ा 5 स्टेप्स है। कितने बच्चों, ओनली 4 5 स्टेप्स हैं। वो 5 स्टेप का नाम क्या है बच्चों, पहला स्टेप क्या है बच्चों, विनियोजित पूंजी, जो आपको पता है बड़ा कैसे निकाला जाता है, कुल संपत्ति में से कुल दायित्व को माइनस करोगे। दूसरे स्टेप में अपेक्षित मुआवजा का दर लिखोगे। और तीसरे स्टेप में बच्चे भारित औसत लाभ। अब बच्चों ऐसा फिक्स नहीं कि भारित औसत लाभ ही है, वो बड़ा सवाल के अंदर बोलेगा, औसत बोले तो औसत निकालने का, भारित बोले तो भारित निकालने का। क्लियर हो गया, स्टेप 3 समझ में आ गया। चलिए उसके बाद स्टेप नंबर 4 में क्या लिखेंगे, पंजीकृत लाभ। और स्टेप 5 में निकालेंगे ख्याति। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, चलो एक सवाल लेता हूँ बच्चों, मैं लेने वाला हूँ स्वाध्याय का 10वां, जो बच्चों मार्च 20 में पूछा गया है और IMP क्वेश्चन है। क्लियर, तो चलिए बच्चों कौन सा क्वेश्चन लेने वाला हूँ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ बच्चों, स्वाध्याय का 10वां क्वेश्चन लेने वाला हूँ। कौन सा, स्वाध्याय का 10वां क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो कैसे लें, किस तरीके से, पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, ध्यान से पढ़ाता हूँ। चलिए बच्चों, तो बड़ा आप लोग भी टेक्स्ट बुक लेकर बैठना, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ और कैसे समझना है सब चीज़ें डिटेल में समझाता हूँ। निम्नलिखित जानकारी पर से ऋत्विक की साझेदारी पीढ़ी की ख्याति की कीमत भारित औसत लाभ, बच्चों क्या पर क्या लिखा हुआ, भारित औसत लाभ को पंजीकृत करने की पद्धति के अनुसार निश्चित कीजिए। पंजीकृत मतलब अधिक लाभ की, सॉरी लाभ का पंजीकृत बोला है, क्या बोला बच्चों, लाभ को पंजीकृत करने की पद्धति, यहाँ पर बोला ना लाभ को पंजीकृत करने की पद्धति सॉल्व करना, मतलब कितने स्टेप, 5 स्टेप में सवालों को सॉल्व करना रहेगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बच्चों अतिरिक्त जानकारी में क्या दिया बच्चों, ये तो आपको पता चल गया बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, सतत क्या हो रहा है बच्चों, कमी। पहले देखो यहाँ पर उसने क्लियर बोल दिया है, भारित औसत लाभ की मेथड से हमें करना है। चलिए यहाँ पर एस्टिमेट क्या दिया आपको, यहाँ पर देखो संपत्ति दिया है, दायित्व दिया है और अपेक्षित मुआवजा का दर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया, चलिए तो स्टेप नंबर वन में क्या निकालेंगे, विनियोजित पूंजी बराबर कुल संपत्ति में से कुल दायित्व को माइनस करेंगे। चलिए कुल संपत्ति कितना दिया बच्चों, 6 लाख दिया है, तो यहाँ लिखेंगे हम 6 लाख। क्लियर, कुल दायित्व कितना है बच्चों, 1,70,000, तो यहाँ लिखेंगे 1,70,000। क्लियर हो गया, चलिए 6 लाख में से 1,70,000 माइनस करो बच्चों, कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 4,30,000 आएगा। क्लियर हो गया, तो आपको विनियोजित पूंजी कितना मिला बच्चों, 4,30,000। चलिए अपेक्षित मुआवजा का दर कितना दिया है, 10, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10%। क्लियर, अब बच्चों हम स्टेप नंबर 3 में क्या निकालेंगे, भारित औसत लाभ। चलिए वर्ष क्या दिया बच्चों, ये कॉपी कर लेते हैं, वर्ष और ये लाभ हम कॉपी करके बताते हैं। देखो बच्चों मैंने क्वेश्चन कॉपी कर दिया, वर्ष लिख दिया, लाभ लिख दिया, भार कैसे निकलेगा बच्चों, भार मतलब बड़ा यहाँ पर गिनती लिख दो बड़ा, 1, 2, 3, 4 ये 5 नंबर डाल, क्योंकि यहाँ पर वर्ष देखो सीक्वेंस में है, 13, 14, 15, 16, 17 है ना, तो इसलिए यहाँ पर नंबर भी डाल देने का। भारित लाभ कैसे निकले बच्चों, अब इन दोनों का क्या करो, गुणा कर लो, तो 45,000 गुणे 1 करेंगे बच्चों कितना आएगा, 45,000 आएगा, फिर 50,000 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1,00,000 आएगा, 65,000 गुणे 3 करेंगे, 65,000 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1,95,000 आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक,
फिर उसके बाद 75,000 गुणे चार करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 3,00,000 आएगा। यहाँ पर अच्छे से समझते जाना बच्चों, ठीक है। 90,000 गुणे पाँच करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 4,50,000 आएगा। एकदम जितने अच्छे से सीखोगे बच्चों उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इन सभी को टोटल मारो बच्चों, टोटल मारोगे कितना आएगा, टोटल मारने पे कितना आ रहा है, 10,90,000 आ रहा है, ठीक है। और भार का टोटल मारो बच्चों कितना आएगा, 15। बस अब बच्चों इस सूत्र में वैल्यू पुट कर दो, कुल भारित लाभ कितना है बच्चों, 10,90,000। 10,90,000 भार कितना दिया बच्चों, 15। तो भाग दोगे बच्चों तो इसका फाइनल उत्तर कितना निकल कर आएगा, फाइनल उत्तर निकल कर आएगा 72,667। यही क्या होगा बच्चों, भारित औसत लाभ। क्लियर हो गया, स्टेप थ्री आपको क्लियर हो गया होगा। अब निकालेंगे बच्चों स्टेप नंबर फोर। चलिए स्टेप नंबर फोर कैसे निकालेंगे बच्चों, तो स्टेप नंबर औसत लाभ, तो यहाँ पर औसत लाभ मतलब कि भारित औसत लाभ। भारित औसत लाभ कितना निकाला बच्चों, हमने 72,667, तो यहाँ पर लिखेंगे 72,667। अपेक्षित मौजूदा का दर तो आपको बेटा यहाँ पर दिया है कितना, 10%, तो यहाँ लिखेंगे 10 गुणे करेंगे 100। तो 72,667 गुणे करो 100 भागी करो 10, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 72,670। यही क्या होगा बच्चों, इसका फाइनल उत्तर होगा। अब बच्चों ख्याति कैसे निकालोगे, तो ख्याति पूंजीगत लाभ कितना है बच्चों, 7,26,670 है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इसमें से माइनस करेंगे विनियोजित पूंजी। चलिए विनियोजित पूंजी कितना है बच्चों, 4,30,000, तो यहाँ लिखेंगे 4,30,000। क्लियर, अब बड़ा 7,26,670 में से माइनस करेंगे 4,30,000 को, तो फाइनल उत्तर कितना आएगा बच्चों, 2,96,670। यही क्या होगा, इसका फाइनल उत्तर होगा। आइए बच्चों आपको ये कंटेंट, ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो बेफिक्र होकर बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना ज़रूर, जिससे बच्चों मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना पाऊँ और आपका डाउट लेक्चर क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। और बच्चों अगर जैसा बोलोगे वैसा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको मेन फोकस मेरा क्या है बच्चों, मेन उद्देश्य मेरा ये है कि आपको समझ में आना चाहिए बस, आपको मज़ा आना चाहिए बस। अगर आपको मज़ा आएगा बच्चों तो मुझे पढ़ाने में बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आज का टॉपिक हमने क्या पढ़ा है बच्चों, लाभ के पंजीकृत पद्धति, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो मैंने टॉपिक चला दिया। अब बच्चों अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट पढ़ना तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीनशॉट पढ़ना तो बड़ा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और बच्चों साथ साथ में यहाँ पर बच्चों आपको होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ पर बच्चों उदाहरण नंबर 7 इसकी तरह ही बड़ा आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में प्रैक्टिस करना रहेगा, क्लियर। चलिए बच्चों बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।